जैसे कि हमने कल एक्टिव पैसिव के पांच बेसिक रूल कराए थे, वो पार्ट फर्स्ट में थे। अब हम लोग करा रहे हैं इसका पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में हम लेके चलते हैं इंटारोगेटिव। पार्ट सेकंड के अंदर आपका है इंटारोगेटिव। इंटारोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपको जो भी अब सेंटेंस मिलेगा उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा। अब इसको भी हमने दो पार्ट में बांट रखा है। पार्ट फर्स्ट का मतलब है हेल्पिंग वर्ब्स। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये होती हैं सहायक क्रियाएं। ये क्या होती हैं? टोटल हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ इज आर एम, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ वाज वर्ब, ये सब हेल्पिंग वर्ब है, वाज वर्ब। जैसे कि मैं आपसे कहूँ हैज़, हैव और हैड, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, टू, ये जितने मॉडल्स हमने कल किए थे, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब एक हेल्पिंग वर्ब्स ये भी होती हैं, डज और डू। ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं प्रेजेंट के अंदर। यानी कि अगर हम इंटरोगेटिव की बात करें, प्रश्नवाचक चिन्ह की बात करें और उसमें पार्ट फर्स्ट की बात करें, तो ये हैं हेल्पिंग वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर ये इज एम आर, वाज वर, हैज एव हैड, कैन कुड, ये सब मॉडल्स हैं जो हमने कल किए थे। प्रेजेंट के अंदर डज या डू होते हैं और एक होता है डिड। डिड होता है पास्ट में। ये इतनी ही हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इससे ज़्यादा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो भी वाक्य हम करेंगे, लास्ट में उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह चाहिए और ये हेल्पिंग वर्ब से वो वाक्य स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, अब करते हैं हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू, एक एक सेंटेंस लेंगे उसके हिसाब से समझेंगे। चलो अभी करते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, आर यू डूइंग योर वर्क। सबसे पहली बात क्या आ रहा है? क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्लियर। दूसरी बात है, नियम वही रहेगा। रूल फर्स्ट में आपको ध्यान होगा कि शुरू में ही हमें क्या मिलता है, इज एम आर। यहां पर हेल्पिंग वर्ब जो वहां पर बीच में मिलती थी, वो अब हेल्पिंग वर्ब शुरू में मिलेगी। जो पांच बेसिक रूल हैं उनका रिवीजन हम ऐसे ही करेंगे। तो इसको एक तरीका है, डायरेक्टली बना सकते हैं, लेकिन इसका बिल्कुल सिंपल तरीका, पहले आप इसको जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको अंदर ले जाओ। यू आर डूइंग योर वर्क, यहां पर कल हमने यही किया था। कल हमने क्या किया था? इज एम आर, वाज वर, रूल फर्स्ट पर डिपेंड करता है ये वाला पहला जो एग्जाम्पल है। अब इसके अंदर हमने क्या निकालते थे, ध्यान होगा आपको, ऑब्जेक्ट निकालते थे, योर वर्क। वर्क चाहे माई वर्क लिखा हो, हिज वर्क लिखा हो, योर लिखा हो, देयर लिखा हो, ये सारे के सारे हमेशा सिंगुलर। तो वर्क हमेशा सिंगुलर होता है, तो क्या आना चाहिए? इज। और आपको बताया था जब इज एम आर वाज वर्क के संग आई एन जी होता है तो पैसिव में बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, डन। प्रीपोजिशन बाय लगाते हैं, यू का कोई चेंज नहीं होता। ये हमारा एक रफ सेंटेंस बन गया। कैसे करा? जो इज एम आर पहले हमें बीच में मिलते थे वो हमें शुरू में मिलेंगे क्योंकि हम इंटरोगेटिव कर रहे हैं। इसको आप अंदर ले जाएं, इसकी रफ बना लें, और जो रफ पैसिव वॉइस बनाई इसमें हमने बींग लाया, इसकी हेल्पिंग वर्ब को पहला लेटर कैपिटल करके, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, इज योर वर्क बींग डन बाय यू, क्वेश्चन मार्क। ये रफ वर्क है, ये हमें कहीं नहीं बनाना, लेकिन सेंटेंस आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो इसको एक बार फिर समझ लें, ये जो इज एम आर वाज वर हमें शुरू में यहाँ मिलते थे बीच में, वो अब शुरू में मिलेंगे। इनको अंदर ले जाके रफ बना लें, और जिसमें हमने रफ बनाकर पैसिव उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको शुरू में ले आए। ये हो गया आपका रूल फर्स्ट का इंटरोगेटिव। अब करते हैं रूल सेकेंड। पांचों के पांचों जो बेसिक रूल हैं उन्हीं को एक बार रिवाइज कर रहे हैं। रिवाइज भी हो रहा है और आपका साथ के साथ इंटरोगेटिव भी चल रहा है। रूल सेकंड में आपको ध्यान होगा हैज, हैव, हैड होता था,
अब वो हैज़ ए वेट कहाँ होता था, बीच में होता था, लेकिन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, शुरू में लिख देंगे उनको, हैव यू फिनिश्ड दिस, ये वाला क्वेश्चन मार्क है। ये हैज़ ए जो आपको कहाँ मिलता था, यहाँ मिलता था, ये अब शुरू में मिलेगा। तो आप एक काम क्या करो, इसको रफ बना लिया करो, डायरेक्ट भी बनाएंगे जब प्रैक्टिस हो जाएगी, आप डायरेक्ट बना लें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती नहीं होना चाहिए सेंटेंस, ठीक है। तो यू हैव फिनिश दिस, ये आपने कल बनाया था, इसको दिस को यहाँ पर पहला लेटर हमेशा कैपिटल आता है, और आपको ध्यान होगा दिस हमेशा एक वचन होता है, तो दिस यहाँ पर आएगा हैज़, फिर आता था बीन, फिनिश्ड, और फिर प्रीपोजिशन बाय, और यहाँ पर यू। ये जो दिस होता है, ये दिस THIS दिस, ये हमेशा सिमिलर होता है, और जो दीज होता है, दीज दोज, ये हमेशा प्लूरल होते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है, क्लियर। तो ये हो गया आपका। अब इसके अंदर जो हमने पैसिव बनाया, जो हमने रफ सेंटेंस बना रहे हैं, इसका जो पैसिव बनाया, इसमें पहला लेटर, ये जो पहला यानी कि हैज कैपिटल लेटर आएगा, हैज दिस, केवल इसमें बीन नहीं निकालें, केवल हैज निकालें, हैज दिस बीन फिनिश्ड बाय यू, ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क, ये आपका सेंटेंस हो गया। तो हैव यू फिनिश्ड दिस का आपने क्या करा, हैज एव हेड जो थे वो बीच में ले गए, और बीच में फिर रब बना लिया, और पहला लेटर हमेशा कैपिटल आता है, ये आपका हो गया रूल सेकंड। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को भी, जो रूल हमने कल किए थे बस उसका इंटरोगेटिव कर रहे हैं, और इसमें कुछ नहीं कर रहे हम लोग। रूल थर्ड हमने किया था, आपको ध्यान होगा, मॉडल्स, फिर वही सेम के मॉडल जो होते थे बीच में मिलते थे, लेकिन यहाँ पर शुरू में मिलेंगे, कैन यू डू दिस, ये वाला मॉडल्स। तो इसका भी वही तरीका है, आप आराम से बना लें, यू कैन डू दिस, तो कैन डू आ गया। अब कैन डू यहां पर हम इसको निकालेंगे, दिस जो भी वर्ड होता है मॉडल्स को सेम उतार देते हैं, केवल शैल या विल को छोड़कर। ये मैं आपको बता दूं कि शैल या विल, आई और वी के साथ मॉडल्स में शैल आता है जनरली, और जितने भी अदर सब्जेक्ट होते हैं अदर्स के साथ विल आता है, बस थोड़ा सा चेंज ध्यान रखना बेसिकली। हालांकि इसमें भी एक रूल बताऊंगा मैं आगे जब मॉडल्स की क्लास चलेगी, कि इसमें इसके साथ अपोजिट, और बल्कि सबके साथ यही यूज़ होने लगा है ये वाला विल। तो फिलहाल इसको हम बाद में देखेंगे, यहाँ पर देख लें कि जो भी मॉडल्स है बस केवल शैल और विल को छोड़कर सारा सेम, कैन का कैन, फिर बी थर्ड फॉर्म डन बाय यू। हाँ भाई, क्या बाहर निकालना है, जो भी वर्ड ये वाला मॉडल्स था, ये वाला, इसको बाहर निकाल लो, तो कैन दिस बी डन बाय यू, ये हो गया आपका ये वाला, ये आपके रूल थर्ड हो गए, एक बार रिवाइज कर लो आप, कहीं कोई प्रॉब्लम है देखते हैं। तो रूल थर्ड मॉडल्स का था, शुरू के जो पांच रूल हैं वही हम रिवाइज कर रहे हैं पहले, फिर एक बार चेक कर लो आपने आप कि हम लोगों ने क्या किया, कि जो इज एम आर रूल फर्स्ट में हमें बीच में मिलते थे उसको हमने क्या करा है, शुरू में मिलते बीच में मिलते थे उनको शुरू में मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटरोगेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको हम अंदर ले जाकर ही बना सकते हैं। अब करते हैं इसको हम रूल फोर्थ, अगर आपको ध्यान है रूल फोर्थ हमने किया था प्रेजेंट, प्रेजेंट इनडेफिनिट किया था हमने, रूल फोर्थ प्रेजेंट इनडेफिनिट, और प्रेजेंट इनडेफिनिट मैंने अभी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स लिखी थी, हेल्पिंग वर्ब्स में मैंने लिखा था इज एम आर, वाज वर, हैज हैव हैड, कैन कुड वगैरह, फिर लिखा था डू डज। तो इसका मतलब प्रेजेंट की पहचान ये है कि आपको डज या डू मिलेंगे, और प्रेजेंट इनडेफिनिट की पैसिवाइज में आपको ध्यान होगा कल हमने किया था इज आर एम लगाते हैं, और थर्ड फॉर्म तो आता ही आता है। एग्जाम्पल करेंगे, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं डज राम ईट दिस, क्वेश्चन मार्क है, इसलिए शुरू में डज या डू होगा, बिना डज या डू के फिलहाल
इंटरोगेटिव नहीं होगा, क्लियर। अब यहाँ पर हमने ईट के नीचे भी अंडरलाइन कर लिया, इसको हम डायरेक्ट बना सकते हैं। ईट के नीचे इसलिए किया कि वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो निकालते हैं। तो अगर हम इसका चलो डायरेक्ट ही बना सकते हैं, रफ भी बना सकते हैं। दिस लिखा, रफ बना रहे हैं, चलो दिस। डज या डू आते हैं तो इज एम आर्ट, दिस एक वचन है तो इज आना चाहिए। थर्ड फॉर्म ईटन बाय राम, ये हमारा रफ सेंटेंस हो गया। फिर दोबारा चेक करो, डज या डू होगा तो वर्ब पे पहुंच जाओ, ऑब्जेक्ट निकालो और फिर देखो डज या डू है तो इज एम आर आएगा, इज थर्ड फॉर्म ईटन, फिर बाय, फिर जो भी है वो लिखेंगे। इसका फेयर में इज एम आर शुरू में आ जाते हैं, इज कैपिटल आएगा तो इज दिस ईटन बाय राम, क्लियर। इज दिस ईटन बाय राम, इसमें आपको डज या डू मिलेगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, ये था जो कि मैंने आपसे कल भी कहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है पास्ट इंडेफिनेट। तो पास्ट इंडेफिनेट को करते हैं, तो पास्ट इंडेफिनेट जैसे कि मैंने आपको इंटरोगेटिव की बात चल रही है तो नीचे लिखवाया था डू डस के बाद लिखवाया था डिड, तो पास्ट में हमेशा क्या मिलेगा आपको, डिड मिलता है क्योंकि इंटरोगेटिव की बात कर रहे हैं फिलहाल। तो यहां पर वाज और वर और थर्ड फॉर्म तो आनी आनी। एक एग्जांपल करते हैं इसका, डिड यू ओपन द बुक क्वेश्चन मार्क, डिड आ रहा है ठीक है, वर्ब के नीचे अंडरलाइन, फिर रफ बना लो, क्या निकालने द बुक, द बुक निकाला, डिड है तो क्या आना है वाज, बुक एक वचन है तो वाज, थर्ड फॉर्म ओपन, थर्ड फॉर्म के बाद बाय यू, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस हो गया रफ, रफ सेंटेंस आप बना लें, जब प्रैक्टिस हो जाएगी आप डायरेक्ट बना सकते हैं। और वहां तो आपको बनाना भी नहीं है, वहां तो आपको बस केवल क्या है ऑप्शन दे देंगे ए बी सी डी, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है, पॉइंट आउट करना है कि भाई कौन सा सही है। तो इसमें सबसे पहले आएगा वाज, वाज पहला लेटर कैपिटल, वाज द बुक ओपन्ड बाय यू, वाज द बुक ओपन्ड बाय यू, ये हो गए आपके शुरू के पांच बेसिक कंप्लीट। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, इन पांचों पर आधारित यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इसी पर आधारित मैं आपको 10 सेंटेंस बोल देता हूँ, ये आप प्रैक्टिस कर लेना, नेक्स्ट क्लास पर इसको हम एक बार चेक कर लेंगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आप नोट डाउन भी कह सकते हैं, राइट डाउन भी कह सकते हैं, ठीक है। लिखें आप फर्स्ट सेंटेंस लिखें, आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग क्वेश्चन मार्क, आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। सेकेंड सेंटेंस लिखें, वर यू ओपनिंग द डोर, वर यू ओपनिंग द डोर क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट हैव यू क्लोज्ड द डोर क्वेश्चन मार्क है, हैव यू क्लोज द डोर। हैड नेक्स्ट सेंटेंस फोर्थ है, हैड दे रिटन अ लेटर, हैड दे रिटन अ लेटर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट कैन यू डू इट, कैन यू डू इट क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट डज राम यूज दिस मोबाइल, यू एस ई यूज करना, प्रयोग करना, डज राम यूज दिस मोबाइल क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट डू यू ड्राइव द कार, डू यू ड्राइव द कार, डू यू ड्राइव द कार। हाँ भाई, ड्राइव जो है, ड्राइव फर्स्ट है, सेकेंड ड्रोव और थर्ड फॉर्म ड्रिवन, डी आर आई वी ई एन थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया हमारा डू यू ड्राइव द कार क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट डिड यू सॉल्व इट, डिड यू सॉल्व इट क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट डिड दे सेव मनी, डिड दे सेव मनी क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट विल यू रेस्पेक्ट एल्डर्स, विल यू रेस्पेक्ट एल्डर्स क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट क्लास पर ये 10 सेंटेंस का मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, इसको इतना ही करते हैं, चलो ठीक है, ओके।